हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी मैनिया विद रितु। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेके आई हूँ ब्लू हेवन की लिपस्टिक, जो कि अभी इन्होंने न्यूली लॉन्च नहीं है, इन्होंने न्यू कलर लॉन्च किए हैं। तो ये सारे न्यू कलर हैं। पहले इसमें 12 शेड्स आते थे, जिसका रिव्यू मैंने पहले भी किया है, जिसका पिगमेंटेशन बहुत अच्छा था और उसमें डार्क कलर ज़्यादा थे। सिर्फ एक कलर था जो 11 नंबर है, वो सबसे लाइटर शेड था उसके अंदर, बाकी सब डार्क थे, लेकिन पिगमेंटेशन अच्छा दिया गया था उस लिपस्टिक का। तो मैंने सोचा इसके जो न्यू शेड आए हैं 12 के बाद, इन्होंने काफ़ी सारे शेड निकाले हैं, 31, 32 इसके ऊपर भी मे बी शेड्स हैं, तो उन सभी का स्वैशे मैंने इसमें टोटल 5 शेड्स लिए थे, 5 शेड हैं, और इन सभी का स्वैशे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी कि लिपस्टिक कितनी कंफर्टेबल है या इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। आई होप आप सभी को काफ़ी अच्छी लगे और ये इन्फॉर्मेशन बहुत यूज़फुल हो आप सभी लोगों के लिए कि हमको ये लिपस्टिक लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। जैसे कि आपने सारे स्वैशे देख लिए हैं, सारे कलर भी देख लिए हैं, मैंने इसमें जो शेड्स लिए थे हैं नंबर 14, 31, 32, 27, 28, तो इसमें कुछ शेड तो लाइटर हैं और कुछ दो शेड, जो ये वाला शेड है ये है नंबर 32। तो इसमें मैं बेसिकली बता दूँ, फार्मूला जो इन्होंने रखा है वो बहुत कंफर्टेबल फार्मूला है, काफ़ी थिन है, वाटरी फार्मूला है, आपको ऐसा कुछ पता नहीं लगेगा कि आपने कुछ लिप्स के ऊपर अप्लाई किया हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है इस लिपस्टिक की, इसका पिगमेंटेशन बहुत कम रखा गया है, कलर बहुत कम डाला है इसके अंदर। अगर आपके लिप्स पिगमेंटेड हैं या आप एज में ज़्यादा हो, 30 प्लस हो, तो उस एज की वाली लेडीज़ के ऊपर ये लिपस्टिक बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। आपको इसको कम से कम 3-4 कोट लगाओगे, स्पेशली लाइटर कलर तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। जब मेरी स्किन इतनी फेयर हो के भी उतने कलर नहीं दिख रहे हैं स्किन के ऊपर, तो जिसकी डस्की स्किन होगी उस पर तो बिल्कुल भी ये लिपस्टिक नहीं वर्क करने वाली। आप इसमें और ज़्यादा डार्क कलर लोगे तो मे बी वो दिखेंगे, अदरवाइज़ जो लाइटर शेड इन्होंने निकाले थे वो बिल्कुल भी नहीं दिखता है। बहुत 3-4 कोट लगाने के बाद जाके वो थोड़ा बहुत कलर आता है। और प्राइस अगर मैं बताऊँ, 130 रुपीज़ इसका प्राइस है। अगर आप इनसाइड की लिपस्टिक उठाते हो तो इनसाइड की लिपस्टिक का पिगमेंटेशन ब्लू हेवन की लिपस्टिक के पिगमेंटेशन से बहुत अच्छा है, काफ़ी अच्छा फॉर्मूला है, फॉर्मूले के साथ साथ वो बहुत कंफर्टेबल लिपस्टिक है। तो मैं इनसाइड की लिपस्टिक ज़्यादा प्रेफर करूँगी बजाय ब्लू हेवन के। ब्लू हेवन ने जो पहले वाली रेंज निकाली थी उसका पिगमेंटेशन बहुत अच्छा था, लेकिन अभी जो इन्होंने न्यू रेंज निकाली है ये वाली लिपस्टिक, इसका पिगमेंटेशन मुझे बिल्कुल भी, ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं नहीं खरीदूँगी क्योंकि मेरे पैसे बिल्कुल वेस्ट हो गए, मैं बिल्कुल भी नहीं खरीदूँगी लिपस्टिक दोबारा, और मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगी। अगर आप टीनेजर गर्ल्स हैं, 17-18 साल की लड़की हो, तो मे बी आपके ऊपर ये फिर भी चल जाएगी क्योंकि बहुत हल्का पिगमेंटेशन है, लेकिन
अगर आप लेडीज़ एजेड हो तो बिल्कुल भी ये वर्क नहीं करेगी, कुछ नहीं दिखने वाला, 4-5 कोट लगाओगे उसके बाद भी ये 3-4 घंटा मुश्किल से रुकेगी, इससे ज़्यादा ये नहीं टिकेगी। कुछ भी खाओगे पियोगे सब साफ़ हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर मैं लिपस्टिक की बात करूँ तो मुझे लिपस्टिक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मुझे फॉर्मूला कंफर्टेबल इन्होंने बनाया है, फॉर्मूला इसे ड्राई होने में भी 1 मिनट लगता है, फॉर्मूला भी कंफर्टेबल है जैसे ये डार्क कलर है, लेकिन प्रॉब्लम यह है वो कलर नहीं निकल के आता जो आपको चाहिए। उतना पिगमेंट इसमें नहीं डाला गया है, बहुत हल्का पिगमेंटेशन रखा है जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। 130 रुपीज़ या 100 रुपीज़ की रेंज में भी बहुत अच्छी अच्छी लिपस्टिक्स आती हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आपको ये लिपस्टिक ट्राई करनी चाहिए, स्पेशली जो न्यूली इन्होंने न्यू शेड लॉन्च किया है उसके लिए। तो मुझे ये लिपस्टिक बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है। आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगे, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसको शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि इस लिपस्टिक को हमें परचेज़ करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगे, अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एंड टेक केयर।